बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ बाबू जदून और आप देख रहे हैं जदून फ्री मिक्स यूट्यूब चैनल। पता होगा इसका नाम है बेनज़ीर भुट्टो पार्क, बिलावल चौरंगी यानी बिलावल चौक के साथ बिल्कुल करीब है। एक साइड पे वो बिलावल चौक पड़ता है, दूसरी साइड पे कोट बेसन का इलाका पड़ता है। ये वो बेनज़ीर पार्क है, ये यहाँ पे हम आए थे। मैं चलो वीडियो बना के आप लोग को दिखाएंगे, लेकिन जाते हुए आखिर में मैं आप लोगों को एक सबसे ज़बरदस्त सरप्राइज़, ज़बरदस्त तो खैर नहीं कहूँगा, लेकिन एक राज से पर्दा उठाऊँगा। बाबूजान दोस्त होगा आप से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और उसे लाइक करें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप देख सकते हो मैं तो भी नहा के आया हूँ, आपको सी साइड भी हमने दिखाया कराची का और चाइना पोर्ट के एरिया भी आपको दिखाया और आपने देखे और अभी आप देखोगे भी और हम ये वीडियो शेयर करेंगे और आप देखोगे भी और हमें लाइक कीजिए और शेयर। जदून मिक्स कराची, जदून प्रीमिक्स, जदून प्रीमिक्स की तरफ से मैं शाकिर हुसैन और ये बाबू जान। अब जो बाबू जान बोलेंगे वो आप बाबू जान से पूछे। आज के दिन मैं तो सिर्फ ये कहूँगा कि जब कराची के लोग बड़े खुश रहते थे, मैं खुद कराची का पैदाइश हुई और मैंने हमेशा जो है ना ये चीज़ महसूस किया कि कराची के लोग जो है एक लिहाज से बड़े खुश रहते हैं। ये साहिल समंदर के किनारे पे रहते हैं, साहिल समंदर हमारे, साहिल समंदर और हम तो ज़्यादा खुश नसीब है बाबू जान, हम कराची के माड़ी पोर्ट की तरफ जगह पे हम उनसे ज़्यादा खुश नसीब है कि हम बिल्कुल समंदर के साथ रहते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, ये माड़ी पोर्ट एरिया जो है ये बिल्कुल समझिए तो समझ लो कि आप समंदर के अंदर ही रह रहे हैं। तो हम उनसे ज़्यादा खुश नसीब है, ये अल्लाह की देन है। और मैंने ये देखा है कि कराची के लोग जब गर्मी बढ़ती है तो ये लोग अमूमन ज़्यादातर सी साइड के रुख करते हैं, सी साइड की तरफ आते हैं और वहाँ पे अपने फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, बच्चों के साथ
नहा रहे धोने के मतलब है कि अपना एंजॉय करते हैं और गर्मी का मजा लेते हैं, ठंडे पानी में नहाते हैं और गर्मी यहाँ सख्त गर्मी और आप नहा रहे हो पानी में, जिस्म भी ठंडा और आपको गर्मी भी नहीं लगेगी और ज़्यादा इंजॉय होता है फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, बुज़ुर्ग भी आते हैं और दोस्त यार भी आते हैं, बच्चे भी आते हैं, फैमिली भी आती है, बड़ी इंजॉय होती है, बहुत रश होता है कराची में। आप पाकिस्तान के हर साइड ले लें, वहाँ आपको ऐसा सी साइड नहीं मिलाएगा, ख़ास कराची वालों के लिए ये अल्लाह की तरफ से एक सरप्राइज़ है हम लोग के लिए कि कराची वालों के लिए ये सी साइड हमारे साथ मौजूद है। कराची में रहने वालों, पीछे से मैं पेशावर का हूँ और बाबू जान स्वाबी टोपी के, और मैं पेशावर का हूँ और हमारा रहायश पैदाइश कराची की है, और हम रहायश पैदाइश हमारी कराची की, और बाबू जान भी रहायश कराची केमाड़ी की है और हम भी केमाड़ी की है। जाते जाते एक चीज़ आप लोगों को दिखाना चाहते हैं, जाते जाते पार्क का आपको पता होगा इसका नाम है बेलेजी फुटो पार्क, बिलावल चौरंगी शहर बिलावल चौक के साथ बिल्कुल करीब है। एक साइड पे वो बिलावल चौक पड़ता है, दूसरी साइड पे गोड़ पैसल का इलाका पड़ता है, ये वो बेलेजी पार्क है। ये यहाँ पे हम आए थे, वीडियो बना के आप लोग को दिखाएंगे, लेकिन जाते हुए आखिर में मैं आप लोगों को एक सबसे ज़बरदस्त सरप्राइज, ज़बरदस्त तो खैर नहीं कहूँगा लेकिन एक राज से पर्दा उठाऊंगा। बाबूजान दोस्तों का कैसा सरप्राइज है, सरप्राइज नहीं, इस बात को सरप्राइज नहीं बोल सकते ना, ये राज है। बाबूजान का कोई राज है, चलो बाबूजान आप लोगों को एक राज देना चाहते हैं। एक राज है जो हम वीडियो के आखिर में आप लोगों को दिखाएंगे, राज थोड़ा ये कि तकरीबन 80-90% लोगों को नहीं पता होगा कि ये जो दिखाने जा रहे हैं आपको ये किसका है, ठीक है, ये मलकियत किसकी है, ये हम राज आपको आखिर में इंशाल्लाह दिखाएंगे। और ये आप हमें कमेंट्स में लाजमी दिखाइएगा, बाबू जान जवाब चाहिए, आप कमेंट्स में लाजमी जवाब दीजिएगा। दूसरी बात ये नाज़रीन कि मैं आप लोगों से मैं माजरत करता हूँ, अगर इनसे या मुझसे कोई गलती हुई है तो उसके लिए हम आपसे माजरत चाहते हैं, और अगर माफ़ियाँ चाहते हैं, अगर आप 4 बजे के बाद 3 बजे के बाद यानी 4 बजे के बाद अगर आप अपना कहीं पर इंजॉय करना चाहते हैं तो मेरे फैमिली भी आती है, बच्चे भी आते हैं, बड़े बुजुर्ग भी आते हैं, दोनों के लोग आते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको भी इन्जॉय करोगे, अच्छा मौसम है कराची का कहते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पे बच्चों के साथ शाम में आते हैं तो मगरब तक आपका बड़ा ज़बरदस्त टाइम हो जाता है। जैसे आप देख रहे हैं जी, इसलिए मगरब का टाइम होने वाला है, अंधेरा होने वाला है, करेंगे बाबूजान, जिस तरह आप तैयार हो हम तो तैयार है, लोग भी इंतजार कर रहे हो कि इंतजार में राज क्या है, बताई देते हैं, राज बताई देते हैं, लोग बड़े बेचैन हैं। चलो फिर ऐसा करते हैं कि थोड़ा सा सफर करें ना, जिसमें भी आपको बताते हैं थोड़ा जैसे आपको सफर करना, थोड़ा और इंतजार करना, थोड़ा सा अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम है जिस चैनल को सब्सक्राइब करें तो शेयर करें, बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन आप देखिए। वीडियो देखने का शुक्रिया, और रात होने वाली है, मेरा ख्याल है हम रात से 15 उठा ही लेते हैं, ठीक है, जब शाकिर आप मोबाइल मेरे हाथ में दे ताकि मैं इनको रात से 15 उठा लेते तरफ और ज़मीन से आहिस्ता आहिस्ता उठेगा आप लोगों को रात दिखाने के लिए। दो बहुत बड़ी बड़ी मलकियतें हैं जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, ठीक है, वीडियो में पहले भी कहीं नज़र आई होगी आपको, लेकिन उस वक्त हमने उस पर कमेंट्री नहीं की थी, तो अभी हम आपको दिखाते हैं कि वो रास क्या है। देखिए नाज़रीन, रास से पर्दा उठने वाला है, ये
ये दो शानदार बिल्डिंगें नजर आ रही हैं, ये किसकी हैं? ये राज, इस राज से हम पर्दा उठाने वाले हैं। और इसका हमें जरूर बताइए कि बिल्डिंग किसकी है। नहीं, हम बताएंगे इनको। राज से पर्दा तो हम उठाएंगे ना, हम बताएंगे इनको। ये है, इस पार्क का कोना कब्जा करके जरदारी साहब ने अपनी मलकियत बना ली। ये दो बिल्डिंग है उसने बनाई है, इस पार्क का एक कोना कब्जा करके। ठीक है नाज़रीन, दुआ में याद रखिए, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अब तक के लिए काफ़ी, अस्सलामु अलैकुम।